गाजियाबाद में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के हाय तौबा के बीच शासन प्रशासन मीडिया और सभी समाज सेवी संगठन वायु प्रदूषण को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन इसी के प्रभाव से एक अहम कड़ी भूखमरी की कगार पर पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं उन मजदूरों की जो कंट्रेक्शन से बंद होने के बाद उनमें काम करने वाले मजदूर जिन्हें प्रतिदिन की नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की आफत आ गई है। वहीं उन लोगों को आज राशन बांटने के लिए बसपा विधायक सुरेश कुमार कश्यप आगे आए हैं। आज आपने मजदूरों को राशन बांटा है, क्या वजह है कि राशन बांटना पड़ा? वजह यह, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और आज पूरा देश दुनिया से बात को जान रहा है कि दिल्ली NCR जो देश का कैपिटल है, हमारे देश का कैपिटल है, यहाँ पर सारे काम धंधे बंद हैं, सारे कंस्ट्रक्शन साइट बंद हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद हैं। जो मजदूर हैं, दूर दूर से लोग काम करने यहाँ पर आए हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया कि उनको कुछ राशन वितरित किया जाए, हमारे साथियों ने मिलकर प्रयास किया है, पर इस प्रयास से भी हल नहीं होगा। कैसे, कब तक उनको राशन दिया जाएगा? हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम सरकार से कि इसका जल्दी जल्दी को समस्या का हल करें। हल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हल भी इसका हो सकता है। बहुत से देशों में हमने देखा है कि जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है या गंदगी ज़्यादा हो जाती है, उसकी सफाई भी होती है, और पोल्यूशन को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से बरसात भी की जा सकती है। दिल्ली NCR को बड़ा एरिया नहीं है, पूरा NCR दिल्ली 35 किलोमीटर के दायरे बसा हुआ है। अगर कोई चक्कर की बात करें तो कितने मजदूर हैं जिनको आपने बांटा और कितने रह गए? आज हमने यहाँ पर 150 लोगों को ही बांटा है, और ये प्रयास अभी हमारा नोएडा एक्सटेंशन में भी जारी है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे लेकर, राशन लेकर आए हैं हम लोग, वहाँ भी प्रयास करेंगे। पर सरकार इसका जल्द से जल्द कोई उपाय करे ताकि लोगों को रोजगार मिले, और जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो फ्लैट बन रहे हैं, जिन लोगों ने बुक कर रखे हैं, उनको टाइम से हम लोग फ्लैट दे सकें, उनकी भी समस्या हल हो चुके। बैंक लोगों ने लोन उठा रखा है, बैंकों से लोगों ने उधार पैसा लिया हुआ है घर लेने के लिए। सबका सपना होता है घर हमारा अपना हो, पर वो नहीं हो पा रहा है। अब साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने काम बंद जाए, फिर काम होगा कहाँ? लोगों का कहाँ दिया जाएगा? सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ विश्वास है? हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में है ही नहीं, 12 महीने बाहर रहते हैं, देश की जनता परेशान है, लोगों ने वोट दिया है, सरकार बनवाई है, तो जनता का ख्याल रखना सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है। तो सरकार इस दायित्व को समझे और इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करे। हमने जो प्रयास किए, प्रयास हमारा जारी रहेगा, हम और भी मित्रों से, साथियों से मिलकर, समाज संगठनों से मिलकर इस प्रयास को जारी रखने का काम करेंगे। नाम सुजालचंद शर्मा है। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि जैसे काम हम कमाने वाले आए थे, काम बंद होने से, प्रदूषण होने से, ये हमको परेशानी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दीपावली से काम बंद है, हम लोग बहुत परेशान हैं, एक एक रुपए को परेशान है सर, क्या करें साहब? इसलिए सरकार वोट मांगने या वैसे जाती है तो घर घर पाए जोतती है, हाथ जोतती है, इसलिए हम परेशान हैं, क्या करें? मजदूरी सब बंद कर रखी है हमारी।